वेस्ट बंगाल इंडिया की एक समृद्ध कल्चरल प्लेस है। इंडिया की राष्ट्रगीत की रचना यहीं से हुई है। स्वामी विवेकानंद से लेकर कविगुरु रविंद्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जगदीश चंद्र बोस जैसे दिग्गज लोग बंगाल से ही जुड़े हैं। लेकिन 1947 में पार्टीशन के बाद बंगाल दो टुक में डिवाइड हो गया। एक बन गया ईस्ट पाकिस्तान और बाद में 1971 में सोवरेन कंट्री बांग्लादेश, और दूसरा बन गया वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल। आज भी यहां का कल्चर को दुनिया भर में सराहा जाता है। आइए देख लेते हैं शुरू से लेकर अब तक के यहां के चीफ मिनिस्टर्स को। सबसे पहला चीफ मिनिस्टर रहे प्रफुल्ल चंद्र घोष, उनके बाद आए विधान चंद्र रॉय, फिर आए प्रफुल्ल चंद्र सेन, उसके बाद आए अजय कुमार मुखर्जी, फिर आए सिद्धार्थ शंकर रॉय, उनके बाद आए बंगाल में सबसे लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर रहने वाले ज्योति बासु, फिर आए बुद्धदेव भट्टाचार्य, और करेंटली पिछले 10 साल से है ममता बनर्जी। 2021 में यहां फिर से विधानसभा इलेक्शन होने वाला है। मेन लड़ाई शुरू हो चुकी है टीएमसी और बीजेपी में। 200 से ज्यादा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी यहां सरकार बनाने जा रही है। दीदी जे भाईरा उत्पात करें এখন আপনি ঠিক করেন নি মারপিট করছেন সবে বলে দিচ্ছি ছয় মাসে সুধরে যান নালে হয় হাত পা ভাঙবে পাঁজর ভাঙবে মাথা ফাটবে হসপিটাল হয়ে বাড়ি যেতে হবে বাড়াবাড়ি করলে সয়া শ্মশানে যেতে আই চ্যালেঞ্জেস তোমরা স্টেট গভর্নমেন্টকে জানাবার প্রয়োজন মনে করো না প্রবলেম হলে তখন স্টেটকে গালাগালি দাও কে কাকে থ্রো করেছে না প্ল্যানিং করে করেছো যেমন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একটা প্ল্যানিং করে করেছিলে আমি পুলিশকে বলেছি টোটাল এনকোয়ারি করতে এনকোয়ারি করে দেখতে তার কারণ সব মিথ্যে সহ্য করব না সাথ মে ইস বার ময়দান মে উতরনে ওয়ালে হ্যায় এআইএমআইএম মমতা কে গড় মে ওবিসি নে এআইএমআইএম কে চুনাব লড়নে কা এলান কর দিয়া হ্যায় জিসকে ওয়াজহ সে রেজাল্ট মে খাসা প্রভাব পড়নে কি আশঙ্কা হ্যায় দেখনা দিলচস্প হোগা ইস বার কন জিততা হ্যায় জো ভি জিতে उम्मीद है पश्चिम बंगाल की अच्छाई होगी। ऑल द बेस्ट वेस्ट बंगाल।